आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जबरदस्त टेस्टी हेल्दी खस्ता और करारे वाले स्टफ्ड लौकी के पराठे, यानी घिया या दूधी के पराठे। अब आप भागिएगा मत, क्योंकि ये पराठा अगर आपने एक बार खा लिया फिर तो ये आपकी हर वीक की यूजुअल डिश बन जाने वाली है। जो स्टफिंग मैं तैयार करने वाली हूँ बिल्कुल भी तो ना पानी छोड़ेगी और साथ ही साथ ना आपको पराठा बेलने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल ना चिपचिपा होगा पराठा, परफेक्ट बेल भी पाएंगे आप पराठा। खस्ता करारा पराठा तैयार होगा, स्टफिंग एक एक कोने में जाएगी पर बाहर भी नहीं निकलेगी, ना पराठे आपके फटेंगे। वो सीक्रेट टिप्स आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक खास बात और होने वाली है। मैं बनाने जा रही हूँ जबरदस्त टेस्टी इंस्टेंट लहसुन की चटनी, जो इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी, वो भी सिर्फ 1 मिनट चटनी बनेगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुबित पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लौकी के बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता करारे पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक हरी भरी ताजी लौकी। लौकी आपको इस तरह की थोड़ी पतली लेनी है और एकदम फ्रेश लौकी लेनी है। अगर वजन से बोलूं तो लगभग 350 से 400 ग्राम के करीब ये मैंने लौकी ली है। अब यहाँ लौकी को बढ़िया से धोकर पोंछकर इसको बढ़िया से छील लेंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को लौकी पसंद नहीं होती, सब नाम से ही भागना चाहते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये लौकी के जो पराठे बनते हैं इतने टेस्टी बनते हैं कि खाने के बाद कोई बता नहीं पाएगा कि ये लौकी के पराठे हैं। तो इस तरह लौकी को बिल्कुल बढ़िया से पहले छील लेंगे और छील करके 2 भाग में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, लौकी को तुरंत से पानी में डाल देंगे जिससे कि वो काली ना पड़े। अब आप लीजिए एक कद्दूकस यानी ग्रेटर, और ग्रेटर में ये देखिए, ये है बहुत ही महीन वाली साइड जो हमें बिल्कुल नहीं लेनी, और ये है मोटी वाली साइड, ये भी बिल्कुल नहीं लेनी। हम लेंगे ये मीडियम वाले होल और इस साइड से लौकी को बिल्कुल बढ़िया से कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपकी लौकी में बीज हो तो बीज बिल्कुल अलग निकाल दें। अगर आप ज्यादा महीन करेंगे लौकी को तो लौकी बहुत पानी छोड़ेगी, ज्यादा मोटी कर देंगे तो जब पराठे में स्टफिंग भरेंगे तो पराठा जगह जगह से फटने लगेगा। लीजिए, पूरी लौकी बिल्कुल बढ़िया से मैंने कद्दूकस कर ली है और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट। अभी ही लौकी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, तो अक्सर यही प्रॉब्लम हो जाती है जब हम मूली के या लौकी के पराठे बनाते हैं कि पानी बहुत रिलीज होता है, तो उसके लिए भी खास टिप्स। यहाँ पर लौकी पूरा पानी छोड़ दे और स्टफिंग में हमको बिल्कुल भी चिपचिपापन न लगे, मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक। अब जैसे यहाँ पर मैंने लौकी कद्दूकस करने के बाद नमक डाला है, उसके 2 कारण हैं। एक तो नमक डालने से जो भी पानी एक्स्ट्रा रहेगा लौकी में वो सारा लौकी रिलीज कर देगी, निकल जाएगा सारा पानी। दूसरा, जब आप लौकी को इस तरह छोड़ेंगे तो वो काली भी नहीं पड़ेगी। और इस तरह मिक्स करके 5 मिनट ढककर लौकी को रख देंगे जिससे सारा पानी रिलीज हो जाए। और ये देखिए, 5 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं लौकी ने पूरा पानी छोड़ दिया, देखिए कैसे निकल रहा है। अब बस आप लीजिए एक छलनी, उस पर एक कपड़ा लगाइए और सारी लौकी उस पर डाल दीजिए, अच्छे से निचोड़ देंगे, जो भी इसमें रहा सा पानी होगा वो भी सारा निकल जाएगा। अच्छा, इस पानी को बिल्कुल फेंकिए मत, इस पानी से अभी हम आटा गूंथ लेंगे, तो बस 1 पन 2 काज हो जाएगा, या फिर आप इसे किसी भी ग्रेवी की सब्जी वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अभी इस कपड़े को तो इसी तरह छोड़ देते, जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो टपक जाएगा इसमें, फटाफट से लगाते हैं आटा। तो आज ये लौकी के पराठे को एकदम खस्ता करारा बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा, और साथ ही अपने लौकी के पराठे के स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कि उसमें बढ़िया सा करारा और खस्तापन आए, मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप बेसन। बहुत ही बढ़िया ये फ्लेवर देगा बेसन का। इससे पहले मैंने आपके साथ मेथी के पराठे शेयर किए थे, उसमें भी मैंने ये ट्रिक यूज की थी, खस्तापन अच्छा आता, बेसन का ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है पराठे में। तो लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब बेसन डाल देंगे। थोड़ी सी यहाँ मैं डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लौकी के पराठे में, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। थोड़ी सी इस तरह से हाथ से क्रश करके डाल देंगे। और फाइनली यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक। अच्छे से करेंगे सभी चीजों को मिक्स। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें लौकी वाला पानी लेंगे, ये जो बचा था ना पानी, इसी से आटा गूंथ लेंगे और इसका एक सॉफ्ट आटा लगाएंगे। जो भी स्टफिंग वाले पराठे होते हैं उसके लिए सबसे जरूरी टिप, आटा थोड़ा सॉफ्ट लगाएं, क्योंकि जब आप स्टफिंग भरेंगे, अगर आपने सख्त आटा लगाया है तो वो जब आप बेलेंगे तो पूरी स्टफिंग निकल जाएगी, जगह जगह से निकलना शुरू कर देगी, लेकिन जब आप मुलायम आटा लगाएंगे उसे फैलाव मिलेगा, आप इजीली पराठे को बेल पाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं आटा मैंने नरम लगाया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल, जिससे कि क्रिस्पनेस बढ़िया है हमारे पराठे में। अच्छी तरीके से तेल डालकर ऊपर से, अब इसी स्टेज पर डालिएगा तेल, इससे क्रिस्पनेस बढ़िया आती है, पहले नहीं डालना है। अच्छे से इसको एक बार और मसल लेंगे।
लीजिए आटा बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट मैंने लगा लिया है, इसको रखते हैं ढक करके 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए। चलिए तो फटाफट से लौकी को भी देख लेते हैं, सारा पानी निकल गया है और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी लौकी की स्टफिंग तैयार होगी। अब इससे ये देख सकते हैं ना आप, बिल्कुल पानी नहीं है, परफेक्ट। अब यहाँ पर इसमें डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, अजवाइन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है इस पराठे में, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही डाल रही हूँ 2 पिंच हल्दी अच्छे से कलर के लिए, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला। साथ में अपने पराठे में जबरदस्त टेस्ट आने के लिए थोड़ा सा डाल रही हूँ चाट मसाला, अगर चाट मसाला ना हो तो आप 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। यहीं पर इसमें हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्च बिल्कुल इस तरह से पेस्ट बना करके, जिससे कि जब पराठा हम बेलेंगे ना तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, अगर मोटे मोटे पीसेस डालेंगे तो वो फटने लगेगा पराठा, और जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। नमक यहाँ पर आपने नोटिस किया मैंने नहीं डाला है, क्योंकि नमक हमने लौकी में पहले भी डाला था पानी रिलीज के वक्त, फिर आटे में भी डाला है, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको अब स्टफिंग में जरा भी नमक डालने की, क्योंकि अगर यदि यहाँ पर आप नमक डाल देंगे तो बाय द टाइम आप आटा बेलेंगे फिर से लौकी पानी छोड़ देगी, फिर आपको उसमें बहुत सारी चीजें डालनी पड़ेंगी उसको सेट करने के लिए, निचोड़ना पड़ेगा, निचोड़ेंगे तो सारे फ्लेवर्स मसाले के निकल जाएंगे, तो फिर वो कुल मिलाकर उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आ पाएगा। स्टफिंग में एक और टेस्टी सी चीज रह गई है, वो मैं लास्ट मोमेंट डालूंगी। ये देखिए परफेक्ट स्टफिंग तैयार हुई है हमारी लौकी के पराठे के लिए। चलिए आटे को चेक कर लेते हैं एक बार और, आटे को बिल्कुल बढ़िया से मसल लेंगे और ये देखिए एकदम लचीला आटा है, यही है जरूरी टिप बढ़िया स्टफ पराठा बनाने के लिए। अब आटे में से आप मीडियम साइज की लोई लीजिए, जो स्टफ पराठे होते हैं ना थोड़े से मोटे ही बढ़िया लगते हैं, बहुत ज्यादा पतले नहीं, तो बिल्कुल सही साइज की हम एक लोई लेंगे देखिए इस तरह, और बढ़िया से हथेली पर रख कर इसको स्मूथ कर लेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे और इसकी ना एक कटोरी नुमा बनाएंगे, देखिए इस तरह उठाते हुए हाथ घुमाइए और एक कटोरी जैसे बना लीजिए। चलिए अब स्टफिंग भरने से पहले स्टफिंग में मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटी प्याज, जिसको हल्का सा मैंने पहले ही निचोड़ लिया था, पानी बिल्कुल नहीं है प्याज में, प्याज को इसी मोमेंट डालें पहले नहीं, जिससे कि पानी छोड़ने की गुंजाइश कहीं हो ही ना, मिला देंगे प्याज को। अच्छा इसको ना बिना प्याज के भी बना सकते हैं, हींग डाल लीजिए थोड़ी सी, तो जैसे चाहे वैसे इसमें थोड़े वेरिएशन किए जा सकते हैं। 1 से 2 चम्मच भरकर इसमें स्टफिंग भरेंगे और सब तरफ से इसको बढ़िया से सील करेंगे, ये देखिए इस तरह, एक्स्ट्रा आटा ऊपर लगे तो आप हटा सकते हैं या यूं दबा भी सकते हैं, इससे क्या होगा कि जब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगी, एकदम सील भी बढ़िया होगी, पराठा आपका फटेगा नहीं। अब लेंगे चकला और चकले पर इस तरह से लोई को रखेंगे, थोड़ा सा इसको आटे में डस्ट करेंगे और हाथ से हल्का सा प्रेस करके थोड़ा फैलाएंगे, जिससे कि जो स्टफिंग है वो सब तरफ फैल जाए और बेलन हमें कम चलाना पड़े। सब बातें आपको बता रही हूँ कि अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं या आपको स्टफ पराठा बनाने में थोड़ी भी दिक्कत होती है तो ये सारी टिप्स आपको बहुत काम आएंगी। और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको सब तरफ से समान बेल लेंगे मीडियम थिकनेस का, थोड़ा सा आटा डस्ट और कर लेंगे अगर यदि आपको चिपका चिपका लगे तो। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हर तरफ से इसको समान बेलना है, एक ही जगह प्रेशर नहीं देंगे। तो लीजिए हमारा परफेक्ट पराठा हमने बेल लिया है और आप देख सकते हैं कहीं से फटा भी नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत आप ये ऊपर देख रहे हैं ना हल्का झलकता हुआ, ये इसमें असली टेस्ट देगा पराठे में। अच्छा ये तो एक तरीका हो गया, मैं एक और तरीका आपको फटाफट से भी बता दूंगी। यहाँ पर गैस पर मैंने चढ़ा रखा है तवा, तवे को पहले मीडियम फ्लेम पर बढ़िया गर्म कर लेंगे, ठंडे तवे पर बिल्कुल नहीं डालेंगे। गर्म तवे पर इस तरह से आप पराठे को इस साइड से जहाँ से बेला था ना इसको नीचे की तरफ इस तरह डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर कुछ 1 मिनट के लिए नीचे से हल्का सिकने देंगे। और ये देखिए पराठा ना घूम रहा है, यानी नीचे हल्का हल्का सिक गया है और हल्का सा ऊपर से ना फूला फूला भी दिख रहा है। तो इस स्टेज पर इसको धीरे से पलट देंगे, लेकिन घी तेल अभी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, हल्का सा नीचे से भी सिकने देंगे और बस 30-40 सेकंड के बाद ऊपर से लगाएंगे हम घी या तेल, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं पराठे को, और इसको इस तरह पलट देंगे। सुपर, एकदम बेहतरीन, हर तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी कलर आएगा इस टेक्निक से, साथ के साथ पराठा आपका खस्ता और करारा बनेगा। अब आप फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दीजिए और बढ़िया से दबा करके पराठे को उलट पलट करके सेक लेंगे। बहुत ही बढ़िया ये पराठे बनते हैं और जिस तरह से मैंने आपको बताया है बिल्कुल बढ़िया आपके पराठे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए 100% परफेक्ट दूधी का पराठा, यानी घिया पराठा, और आप देख सकते हैं ना पराठा फटा है, ना चिपचिपा हुआ, ना बेलने में कोई परेशानी आई, एकदम खस्ता करारा इजीली पराठा हमारा तैयार हो गया, वो भी इतना हेल्दी और टेस्टी।
चलिए दूसरा पराठा बनाने से पहले मैं आपको पहले ये कट करके दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे रहा नहीं जा रहा है, मुझे ये दिखाना है कि स्टफिंग अंदर तक गई है या नहीं। बीच में से कट करेंगे पराठे को, अभी काफी गर्म है। ये देखिए बने हैं ना एकदम परफेक्ट वाले लौकी के पराठे, खस्ता क्रिस्पी, और ये मैं आपको खोल कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए एक एक कोने तक लौकी की स्टफिंग गई है। जब भी एक बाइट आप खाएंगे स्वाद में खो जाएंगे, और इस तरह से जो स्टफिंग है वो इवन फैलती है पराठे में, तो बिल्कुल ऐसे ही बनाइए। दूसरे तरीके में आप बस लोई लीजिए मीडियम साइज की, इस तरह हथेली पर रखकर गोल कीजिए, और गोल करके इस तरह आटे में लपेटिए। अब इसको हम पहले थोड़ा सा बेलेंगे। अब देखिए बेल करके इस तरह बीच में आपको लगाना है थोड़ा सा घी, हल्का सा आटा छिड़किए, इससे लेयर्स रहेंगी और खस्तापन रहेगा। जो बीच में से सख्त हो जाता है पराठा, स्टफिंग नहीं है, इधर उधर चली गई, बीच में थी ही नहीं, वो सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। और बीच में भरेंगे 2 बड़ा चम्मच स्टफिंग। सब तरफ से हम इसको बिल्कुल बढ़िया से बंद कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। वापस से हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और एकदम हल्के हाथ से इसको सामान बेल लेंगे। अच्छा, दूसरा पराठा डालने से पहले तवे को एक बार जरूर पोंछना है, क्योंकि जो आटा होता है ना वो तवे पर काला काला हो जाता है। तो दूसरा पराठा डालेंगे उस पर वो काला काला आटा चिपक जाएगा, रौनक नहीं आएगी। हल्का पहले पोंछ लीजिए, फिर आप पराठे को डालिए, बिल्कुल ऐसे। और बिल्कुल पहले की तरह इसको नीचे से मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा सिकने देंगे, और कुछ देर बाद इस तरह पलट देंगे, हल्का सा नीचे से वापस सिकने देंगे, थोड़ा सा ऊपर घी लगाएंगे और पलटेंगे। वापस से पलटते हुए इसको बढ़िया उलट पलट के गोल्डन एकदम क्रिस्पी सेक लेंगे। ये देखिए दूसरा पराठा भी बनाया ना एकदम जबरदस्त। तो जैसे चाहे वैसे बना ले, दोनों ही तरीके से पराठे आपके बहुत बढ़िया बनेंगे। तो चलिए जब तक हमारे पराठे सिक रहे हैं, फटाफट बनाती हूँ बहुत ही झटपट वाली इंस्टेंट गार्लिक चटनी, जिससे तो आपको प्यार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1/4 कप के करीब कद्दूकस किया हुआ लहसुन, या मिक्सी में पीस कर दरदरा कर लीजिए, देखिए इस तरह। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, यानी मोटी कुटी लाल मिर्च, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें मिर्च नहीं होती पर कलर हमारे जो लहसुन की चटनी है बढ़िया आ जाएगा। 2 पिंच हल्दी, साथ में डालेंगे नमक, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, बस। अब कुछ नहीं करना है, आप लीजिए एक तड़का पैन और उसमें लगभग 3 बड़े चम्मच के करीब तेल को गरम कर लेंगे। चाहे तो सरसों का तेल ले लीजिए या फिर नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं। धुएंदार एकदम बढ़िया गरम कर लिया है मैंने तेल को, और फटाफट से ये गरम तेल अपने लहसुन वाले मिक्स पर डाल देंगे। सुपर, कितनी बढ़िया हमारी जबरदस्त चटनी बनकर तैयार हुई है 1 मिनट में। ये देखिए परफेक्ट कलर, कंसिस्टेंसी और फ्लेवर तो जवाब नहीं, डिलीशियस वाली। ये देखिए परफेक्ट बन गया ना लहसुन चटनी वाला अचार। इसको आप इस तरह बना करके पूरे 15 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। और लौकी के खस्ता पराठे का स्वाद इस चटनी के साथ तो दुगना हो जाएगा। चलिए फटाफट से करते हैं सर्व। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे हेल्दी टेस्टी खस्ता करारे बहुत ही स्वादिष्ट लौकी के भरवा पराठे, जिन्हें बनाना सिर्फ बनता नहीं दौड़ता है, क्योंकि ये पराठे बनाने में तो आपने देखा आसान भी है, साथ के साथ टेस्टी बहुत है। और इनको मैंने यहाँ सर्व किया है अपनी इंस्टेंट गार्लिक वाली चटनी और ताजे दही के साथ। तो देखा आपने लौकी यानी दूधी के स्टफ्ड पराठे बनाना कितना आसान है, आप इन्हें जरूर ट्राई करें, यकीन मानिए ये आपको बेहद पसंद आएंगे। इनका जो खस्तापन है, मतलब ठंडे हो जाने के बाद भी ना ये पराठे बहुत ही बढ़िया लगते हैं, और एक बहाना भी मिल जाता है लौकी खाने का। तो जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा, और इस तरह जैसे मैं खा रही हूँ चटनी के साथ लहसुन वाली के साथ, फिर तो मजा ही आ जाएगा। जाइए किचन में फटाफट बनाइए, और मुझे जरूर बताइए कैसी लगी आपको आज की ये स्पेशल लौकी के स्टफ्ड पराठे की रेसिपी और इंस्टेंट गार्लिक चटनी। उम्मीद करती हूँ कि आज के ये बहुत ही स्पेशल पराठे की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।